ये इसकी शेल्फ लाइफ भी होती है। सो आप मेरे पीछे देख रहे हो सेठी कॉफी, शायद इस दिशा में कोई हो जिन्होंने इनकी कॉफी ना पी हो। अगर आपने नहीं पीना तो फिर आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप सिरसा में रहते हो। सो जी, ये है सेठी कॉफी के ऑनर। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका गुड नेम क्या है? मेरा दिनेश सेठी। और कब से आप ये रन कर रहे हो? ये लगभग फिलहाल तो 60 साल हो गए इनको जी, तीसरी पीढ़ी होगी हमारी लगभग। अच्छा ठीक है, पहले बुजुर्ग थे, हम बैठ रहे हैं। हाँ जी, अब आगे बच्चे हैं। अच्छा, तो वो भी यही काम में है सारे, है ना? और शुरू से आप कॉफी ही बना रहे हो? हाँ, कॉफी बना रहे हैं। हमारी जो इसकी शुरुआत थी छोटे से गिलास से हुई थी। अच्छा, गिलास में बना के देते थे और जैसे डिमांड बढ़ती गई फिर गिलास से पतीले पे आ गए, पतीले पे बड़े पतीले पे आ गए। पहले कस्टमर वेट भी करता था, आजकल जो है फास्ट है, आता है और फटाफट चाहिए उसको। फटाफट चाहिए, फिर उसी हिसाब से तैयार करके रखनी पड़ती है। अच्छा, ये आप बीट करके रख लेते हो पूरी? और ये इसकी शेल्फ लाइफ भी होती होगी काफी, है ना? खराब नहीं होती होगी? नहीं, ये लगभग फ्रिज में 10 से 15 दिन निकाल जाती है। निकाल जाती है। हाँ जी। और आप पैकेजिंग में भी देते हो, मैंने सुना? हाँ जी, पैकिंग अपने लोग रिश्तेदारों को कहते हैं भी मिठाई लाओ ना लाओ, सिरसा से कॉफी का डिब्बा बहुत लेके आना जरूर, सेठी कॉफी। हाँ जी, है जी, हाँ जी। वाह भाई वाह, 60 साल हो गए हैं जी इनकी कॉफी को और मिलवाते हैं इनके बाबूजी से। सो ये है जी मेनली सेठी कॉफी के ऑनर साहब के जो पिताजी हैं, जिन्होंने यहाँ से इस लेगेसी की शुरुआत की। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद सेठी। और आप बताइए जी, आपने क्या सोच के इंस्पायर होकर स्टार्ट की थी उस टाइम कॉफी? ऐसा ही है, कोई गुड़ मिल गया किसी से, वो गुड़ सीख लिया, कामयाब है। हाँ जी, बहुत मेहनत की हमने, बहुत मेहनत की हमने, आगे बच्चे करने वाले। हाँ जी, तो शुरू से आपने ये कॉफी, मतलब आज से 60 साल पहले भी लोग, मतलब उस टाइम पे मेरे को जैसे लगता है कि कॉफी ज्यादा प्रचलित नहीं थी, नहीं तो फिर आपने कैसे लोगों को बताया कि ये कॉफी मैं बना रहा हूं? बनाने वाले आए थे हमारे पास, सिखा गए मेरे को। अच्छा अच्छा, जो आदमी था ना वो वर्मा जी, टीएन वर्मा जी थे। अच्छा, रहने वाले वो यूपी के थे। अच्छा, यहाँ सीसी कानून कॉर्पोरेशन में सर्विस किया करते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको सिखाई और तब से आपने वो अपनी तैयार करनी शुरू की और लोगों को पिलानी? कब में फिर गिलास में पत्ते दिए। अच्छा, मतलब ऐसे करके आपकी ये जो स्टोरी है वहाँ से शुरू हुई। बहुत वाह जी वाह। तो टाइमिंग्स बताइए सर, आपकी टाइमिंग्स क्या रहती हैं? सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक। हाँ, एड्रेस भी जरा एक बारी लोगों को बता दो, आप एग्जैक्टली एड्रेस क्या पड़ता है? ये स्ट्रीट फैशन कैंप वाली गली, रोडी बाजार, सिरसा। सामने इनकी सैंडविच की एक बढ़िया सी शॉप है, तो आपको दिखाते हैं अंदर, बढ़िया सा सैंडविच रेडी होने वाला है हमारे लिए। चलिए चेक इट आउट जी, हमारे लिए सैंडविच की प्रिपरेशन होनी शुरू हो गई है। ये जो पेस्ट है ये आप खुद से तैयार कर रहे हो ना? अच्छा, ऐसे स्लाइस कट के लगेगा। हाँ जी भैया। क्या रहती है इसकी प्राइसिंग? भैया इसकी 120 रहती है, इसके 6 पीसेस हो जाते हैं। अच्छा, ये आ गया जी बटर, अमूल बटर, और ये चला गया ग्रिलर के अंदर। कितनी देर लगेगी इसको सीखने में? बस एक अब 30 सेकंड बस। रेडी हो चुका है जी सैंडविच, पूरा अच्छे से ग्रिल हो गया और इसके ये 6 पीस में कट हो रहा है। ये आ गए कप्स और इसके अंदर डाल दिए पूरी भर के इन्होंने बीट की हुई कॉफी, जो आजकल फेमस हुई ना डलगोना कॉफी जिसको बोलते थे। यहाँ से 60 साल पहले ही अंकल जी यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो हम टेस्ट करके आपको बताते हैं जी। वाकई में बहुत लाजवाब स्वाद है, मैं तो बचपन से पी रहा हूँ, अब आपको जरूर इसका एक बार स्वाद बताएंगे। अब गर्मा गर्म दूध जाने वाला है इसके अंदर। हमारी एक बढ़िया सी मील आ चुकी है, कॉफी है और ये है बढ़िया सा एक सैंडविच। आपको दिखाता हूँ इसके अंदर प्रिपरेशन में, तो वैसे आपको मैंने दिखाया ही है, लेकिन बिल्कुल एकदम ज़्यादा हैवी लेयर वाला नहीं है, पनीर है। और ये इसकी जो इन्होंने अपनी एक बढ़िया सी जो पेस्ट बना के रखी हुई है ना, वो है इसके अंदर। काफ़ी सारी सॉसेज मिक्स हैं जैसा कि इन्होंने बताया, और जो मसाला है इन्होंने वो खुद से तैयार कर रखा है, जो इनकी खुद की ऑथेंटिसिटी है। टेस्ट करता हूँ पहले, उसके बाद आपको इसका स्वाद बता पाऊँगा इसका स्वाद कैसा है। भाई अगर स्वाद की बात करें तो बहुत उम्दा। वैसे हमारे शहर में ना सैंडविचेज है ना बहुत कम जगहों पे मिलते हैं बढ़िया, लेकिन वाकई में मज़ा आ गया खा के। पूरा गाढ़ा गाढ़ा दूध और उसके अंदर ये बढ़िया सी इनकी बीट की हुई कॉफ़ी। अगर आपने ये कॉफ़ी ट्राई की है ना, सिरसा के अंदर हो आप, तो आप मेरे को टैग करना ज़रूर और कमेंट में बताना कि आपने ट्राई की। अगर आपने नहीं की तो उन फ्रेंड्स को भी टैग कर दो और ख़ुद भी आ जाओ ट्राई करने, आपका दिल खुश हो जाएगा।
सेठी कॉफी वाकई में बहुत पॉपुलर है हमारे शहर में। कॉलेज टाइम में तो मैंने बहुत पिया है। रेडी हो रही है कोल्ड कॉफी, इसके अंदर इन्होंने अपनी बीट की हुई कॉफी जो मैंने आपको दिखाई थी वो डाली है, दूध डाला है, चीनी भी पाई है, चीनी नहीं डाली, वो बीच में ही है कॉफी के, है ना, देख रहे हो, कोई मिक्सी नहीं यूज होती, पूरा फैन के एकदम ना निग्गर कॉफी जो गाड़ी गाड़ी कॉफी होती है ना वो बनने वाली है। देखो ये डाल दी इन्होंने क्रश की हुई बर्फ और इसके साथ ही हो जाएगी ठंडी। और एक ये आ गया बड़ा सा स्टील का गिलास, इतनी निग्गर गाड़ी गाड़ी सी कॉफी हो चुकी है जी ये बिल्कुल। और आपको एक चीज बताता हूँ, ये नीचे बैठने नहीं वाली, जो अपने जो मिक्सी के अंदर बनी होती है ना उसका अलग स्वाद होता है, लेकिन यार जो इसका स्वाद होने वाला है ना प्यारे हो ना, अगर आप कोल्ड कॉफी के शौकीन हो ना, अगर आपने यहाँ की कॉफी एक बारी पी ली आप सारी जगह की कॉफी आप भूल जाओगे, मिक्सी वाली से टोटली डिफरेंट है। वाह भाई लाजवाब कॉफी है ऐसा बहुत।